एडो जीजी बाबा जाके चक्रम काटे पड़े जेटू हॉस्पिटल में लेट चाल पंचल हॉस्पिटल में नोजिकन। इस वायरस के अंदर जो मरीज होता है उसकी आवाज हमेशा के लिए जा सकती है, और आवाज निकलती भी है तो पीपाड़ी की आवाज निकलती है। यह बीमारी क्या नहीं होती भाई साहब? छूने से फैलती है, पास बैठने से फैलती है, बात करने से फैलती है। और चूल जी, देखो बात ऐसे है कि आपके पास तो दो मरीज हो गए हैं इस वायरस के, पीपाड़ी वायरस के। तो एक काम करो, देखो आप हम पे भरोसा रखो, हम डॉक्टर हैं, इस वायरस का कोई ना कोई रास्ता इसको ठीक करने का हम लोग निकाल लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, पर फिलहाल तो हम इन दोनों मरीजों को यहाँ हॉस्पिटल में नहीं रख सकते, इन्हें आप ले जाओ। क्यों? क्यों क्या, इस हॉस्पिटल में अगर सबको बीमारी हो गई, डॉक्टर्स अगर पीपाड़ी वायरस की चपेट में आ गए, तो नॉर्मल इंसानों को ठीक कौन करेगा, नॉर्मल लोगों को कौन बचाएगा? यार आखा में बैठे यार डॉक्टर साहब, यार टेस्ट से नहीं कर रहा तो कौन कर रहा है मारो भाई यार वो। अच्छा? आपको मुझ पे भरोसा है? भरोसा करना पड़ लो बस, तो फिर आप भरोसा रखो और इनको ले जाओ जल्दी से जल्दी, कोई ना कोई हम लोग वैक्सीन ढूंढ लेंगे। मंगुन क्यों, मंगुन को लेट चला, अभी कहीं घर का कौन भी कहीं लुगाई कौन है? आप लोग जितना मजाक में ले रहे हो ना इस वायरस को, उतना मजाक में लेने वाला वायरस नहीं है ये, पूरी दुनिया खतरे में है, आप समझ क्यों नहीं रहे हो? अरे मैं क्यों मजाक में ले ला रही यार, मैं खुद की टेंशन हो रही, मैं कांडी करना भी बड़ी बात जाए। मैं वही बता रहा हूँ कि इस चीज़ को आप सीरियसली लो, और ऐसे कोई टेंशन वाली बात भी नहीं है, इस वायरस के अंदर ऐसे कुछ नहीं होगा, आप आराम से खाओगे पियोगे घूमोगे फिरोगे, पर जैसे ही बोलोगे तब पीपाड़ी बच जाएगी। अच्छा भैया कोई दिक्कत करो हमारी, बुखार होगी कोई जुकाम होगी? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आराम खा पी सके जाने। हाँ जब बोलेगा बस तब पीपाड़ी बच जाएगी, पीपाड़ी बचेगी। और एक और बात, जो लोग बोलते थे ना कि तेरी पीपाड़ी बजा दूंगा तेरी पीपाड़ी बजा दूंगा, आज उन सबकी पीपाड़ी बज रही है। वैसे डॉक्टर भाई साहब, ये लेडीज औरतों के नहीं होता ना पीपाड़ा? सबके होगी ये बीमारी। बाको ये लगाई जी यार, बाको ये लगाई अप्सरा उतरी जी गई टट्टी वाले, औरतों के नहीं होगी, फालतू की बात मत करो यार। जूते आप लोग सीरियसली नहीं ले रहे हो इस बीमारी? अरे डॉक्टर साहब हम सीरियस ले रहे हैं, अब हम लेके जा रहे हैं दोनों पेशेंट को, अगर कोई दिक्कत होगी ना तो मैं आपको फोन कर दूंगा, आप घर पे आ जाना। और एक और चीज, इस पेशेंट को जिसको भी आप लेके जाओ साथ में, उसका ध्यान रखना कि वो नए लोगों के संपर्क में ना आए, दूर भटके। हाँ ठीक है ठीक है, घर से बाहर रखो उनको। ओके ठीक है फिर, है ना? ओके थैंक यू वेरी मच। मंगो पुत्रों काटे चूल्हे मन अड़े छोड़ रखो छे, मने हॉस्पिटल में ले जाते तो कांडे मर तो गाडो काल जो निकल निकल पड़े छे, वो छोरो कांटी किया का यो लो। अरे भाभी तू टेंशन मत ले, वो निकाव जाए लो जी, काई निकाव जाए लो, वो बाबा जैसे ही निकाव नहीं तब डॉक्टर से काई निकाव लो। ओए मेरा दोस्त मर गया तो मैं क्या करूंगा? ओए तू मार जा दिया तने, ऐ सूजे से काई काली जीभ काई काई मुंडा का मान बोले छे, थोड़ा सा बाटा मेल नहीं बोबड़ मेल तेरी जीभ मर कर जाए मारा छोरा के एक तो, और फिर यहाँ और कह रहे जब मैं क्या कर दिया तो वो खुद लिया था पार्टी मेरे पास, वो ये था पार्टी बे लिया था ना छोरा है, मैं सब और मना कर दी भाई, बड़े चीज मत खारा बगरो पड़े तो तू ही चल ले जाओ मूल से, जो तू ही चल मैं जानू चूता ना। मैंने 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 थोड़ी कोई थी चीज वो मांगा था मेरे पास पार्टी। ते कहीं पी पी करवा लागा बे मारा थोड़े माता खराब हो रहे, जब तने मजाक कर सूझ रहे पी पी। ओए जीजी मेरे को लगता है इसमें फूले वाले भूत नहीं आ गए। ओए मेरा पुत्र कटा वो देखे भी उसकी तरह ही कर रहा है।
हाँ माल जा दिया कर रहे तो बिकी जी जाए। सुनो इसको ऐसे पूछो बर्फी खाएगी रसगुल्ला गुलाब जामुन। अजी तो थार की आवाज को निकल रही ये थोड़ा बोल भाई कोशिश करो। ओए गया ये लंबाई का लेगा ये इसका टिकट कटेगा। अरे बारा मारा राम जी वो कहीं हो रहे चरे भाई छप गई। ओए ओए मेरे को तो डर लग रहा है मैं जा रहा हूँ मैं नहीं रहूंगा यहाँ पे अब। तो मार जा दिया कट जा रही से बारा भाई सही सही तो ना लड़की चीन भी। आनंद जी एक काम करो ते तक घर जाओ माँ वाले मत चुटो। अजी समझ में तक घर जाओ थे जाओ थे तक घर मारे सर आओला पाल तुम मैं था कि लुगाई ने कहीं जवाब दी ली जाओ थे तो वह पहली जान रांदरी माँ सु लड़वा तने तैयार रह जाए। जाओ 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 उठो जाओ घर चल जाओ कहीं बनो जार सो जाए जी चुपचाप जाओ। अरे भाई वो कहीं यूं चल भाई सबकी भी बड़ी बाज बाला गया तो आगा दिखा जब पुलिया वर आ कर रहे थे सही होगो गई तू होगो नहीं का। अरे वाह फिर तो सही जा देखा बोल मार जा दिया फिर चीं चीं कहीं कर रही जा डॉक्टर कहीं जा रहा है जा कहीं वो निकाल को डॉक्टर सुबह को नहीं हो हमारा राम कहीं होगा भाई फिर तेरा। अरे बेटी कहीं बताए भी बोलो डॉक्टर अरे मैं तेने कहीं पूछ तू चीं चीं कर रही तू बता रहा कहीं क्यों डॉक्टर आ जा दिया तू पी पी कहीं कर रही जा बता दे कहीं क्यों डॉक्टर एक भी बड़ी बात की बारा राम कहीं हो रही थे भाई सबकी भी बड़ी बात रही थे अड़ी ना तेरी बात की एक ही बात की बार भी आनंद जी की बात की। हाँ पर भाई वो कहीं हो रहे सब गई वो शिव बाजरो भी नखट गई था शिव क्यों ठहर गाड़ी कैसे दिक्कत कहीं थी एक किलोमीटर अंतर गाड़ी खड़ी कर रहनी पड़े थे कोई चोर ले गया तो फिर अरे लेगा रे आज चोर अपनी जगह जा हे ली था की जगह फालतू की बात कर अरे आज जी ए जी जा के चपक कर गाड़ी खड़ी साइड में खड़ी हो ना बराबर क्यों कहीं बात होगी अरे मैं बता दूं एक बार साइड में तो जा दूं ए जी जी स्विमिंग पूल ले जाओ उलट जा तो मां जा तेरा बता तो सही साइड मां बतन कहीं बात होगी यहां एडन बता दूं मार के ना उठो आओ चौक करे कहीं हो गो अड़ी थोड़ी जी जी वहां का तू अरे अड़ी तो जी पूतरा काटिया पर अरे तो ये कहीं कर रहे जो कहीं हो डॉक्टर कहीं क्यों चुप बोले बे अरे डॉक्टर कहीं कर रहे मामलो गंभीर जरा मरे गंभीर थाने कहीं हो गो हां कहीं हो गो ये पूछ भाई कहीं को नहीं हो कहीं को नहीं हो तो टंडे आंजे पीपड़ को नाम सुने जी तू सुन रही जो आज पूरा दनो को पी पी कर मिले जे आड़ो पीपड़ी वायरस को भी का ORS को हां ORS वो पी बालो अरे यार ORS नहीं वायरस वो और बारे में कहीं हो जाए ये इम अट्टो ये मटोड़ा बार कहीं हो जाए कोरोना ही जोग और बार कोरोना कर कोरोना कौन हो कोरोना कौन कहीं कोरोना कोई बात चे कोरोना बार बार छोरा कहीं हो जाए अरे कोई अट्टी दिक्कत वाली बात को नहीं मैं तो आ जा दिया दिक्कत वाली बात नहीं तो पहली बता बोगा इतनी देर में बोला कोई आदमी को कार जो निकल जाए डेडो मत तो जी जी कहीं एड्रिया जो डेडो मारी मास्टर छोड़ा को अरे तो पेरा पी पी क्यों कर रहे जो डॉक्टर क्यों किए बोलो डॉक्टर है क्यों जे वो काय जे पीपाड़ी वायरस है जो आकर लागो डोने गई आकर लागो हाँ अब वो काय जे कि ब्याह कोई दिक्कत को ना हो मरीज के भाई को बुखार जुकाम भी कौन हुआ है कोई और भी कौन हुआ है बस खाली पीपाड़ी बैटरी ली आवाज कौन निकले आवाज निकला ही कौन आवाज निकला ही कौन तो फिर कोई गोली दवाई तो देता ही हो लगी हाँ डीआरए को थोड़ी बहुत तो बस निकल कौन बस को गारंटी को लिया अगला डेट सुन हाँ अब देख साफ बात ये जे बिफू लगा गोरड़ा खाट अड़ी बारह पटक दे बटन भरना भी अलग ही पटक दे क्यों अरे आप फड़ाओ को जनाब भी फिफड़ी बारिश ही पटा दूँ है फिर आप पी पी का ठहरे ला कुछ समझे ही लो तो मार जा दिया कहीं अलग पटक बस को नोलो ये एक मार ने कहा जाएगी चुआसू चू बोल बासू अड़ बासू यही फेले जो
फिर मैं कड़े काटू ली भाई मारा छोरा नो तो घर में ही तो रह लो घर में रह तो कड़े रह लो पलाड़ी पड़ेगी चूला खानी मार जा दिया की पटक दी छोरा ने पलाड़ी जी जी न्यारो कर दे पुले भाई साहब ने न्यारो कर दे मार जा दिया क्या कर दे छोरा ने न्यारो अरे भगवान भाई वो कहीं हुई चब गई चने ये दोनी ची ची कर रहे दिख जाए हाँ जी सुन हाँ ये पुले नोटे पटक दे अरे चंगुन ये कहानी कभी हो गोट इनमें का करा पटक रहा हो जा हाँ पटक रहा है पूतरा कटक फालतू कोई को सरा हो लो हमने नहीं नहीं सरा को ना मिला तू फुले ने बड़ी पटक चल माने मिट मार दे चल ले जा भाग भाग ओए मंगू भाग जा अरे अरे थारी अरे 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 खड़ो अरे खड़ो अरे रो मत चलता है बुनन अरे बार मेरा ना हो जाए भगवान बस बस लियो आजा ओए पागल अड़ी जा अड़ी अरे कड़ गयो पाव रोड दियो पा अड़ी चल चल पिपाड़ी बजावळो कोण आहे भाई अरे वाह मारा बलम जी वाह आठ बजे की थी भाई चार ऊंचा बात आ रही अब चार बजे आ रहे थे अब बज रही थी ताकि आठ है हाँ जार बैठ के भी भाभी गन चाय पी लिया बोला अब आ कहीं मजाक कर रहे थे कहीं पिपड़ी बजा रहे जी थे देखो पहली मेरे मत तो खराब हो रही थी फालतू कमाने पिपड़ी तो बारन काटो फिर बात करो मतलब एक गंडक की पूछ का मान छह महीना भूख निकाले चाहे बारह महीना गालियो बा टेडी की टेडी रेली कौन माने किन सुधरे तू यहाँ ने देख उल्टा माता मन छठवी उल्टा ज्यादा बजा रही है बारन खाड़ी पी पड़ी बारन खाट डटतन मैं बताऊँ यहाँ कौन सुधरे बारन खाट ने राम ओ ये कौन सुधरा कई होगो पिपड़ी फंस की मायने लड़ाई होगी जी भाभी और के फिर अच्छा बेबी पड़ी बचा दिया तेरी है बढ़िया जय राम जी महाराज मार मार सही काम होगो पर एक मिनट बे मेरा बलम जी की पिपाड़ी कौन से बजा वाला बन तो बन मैं बताऊंगी बाकी औकात के भी मेरा बलम का हाथ लगा बाकी आजा 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 बाकी पिपाड़ी मैं बजाऊंगी चल मेरे साथ में क्या हाथ लगाए तेरे चल रोको तो सही अरे काय बात होगी अजीब पाच बनवारी जी सर आर्य जी ने हां आर्य जी ने तो बागो कर देगा आज पे ट्रीटमेंट इलाज काटे कहीं ध्यान को ने 15 अगस्त ने कतरी बेइज्जती करिया जा 50 60 छोरा छोरियां के सामने ताने दुधगार रखंदा दिया जा बोलो अगर मारी साथ ध्यान की बेइज्जती कर देन तो मैं आदमी की नाड़ काट नीचे पटक जमीन में गाड़ दी बोलो अरे बाड़ो कोई दिक्कत कोन समझ कोई बाड़ ने यार मार साहब रे काय करला फालतू कमाने यार तो मार साहब जब मैं खुद ही गुरु जी अगर एक्सपेक्ट करूँ जो मैं गुरु भगवान मानू जो गुरु जी अंदर कूट थोड़ा लगा तो कूट बागो नाम ने ले रे मैं आन करी भाई परो पिपाड़ी बजा बड़ो नमटा ना डिकर फ्री है अपना काई काम से पिपाड़ी क्यों जावला पा ओ ये बाबूजी बैठे कौन के पोपाड़ो बैठे ने पाछे जो कोई के चपकता यान पू पू बोले जावला गुरु जी ओ आलो आलो अरे मार साहब मार साहब मार साहब अरे खुश रहो खुश रहो मार साहब अरे खुश रहो खुश रहो अरे ये खीसे पकड़ के लाए हो अरे अरे सर आप नो टेंशन रहो हम बटा देंगे इसमें कौन है
अरे तो किसको पकड़ के लाया हो? अरे सर सर मैं बैठा हूँ। ये क्या है कि ये मंगो है ना आपसे माफी मांगना चाह रहा है। हम क्या है कि इसको स्कूल में लेके आ रहे थे। अरे बोरी खोल रहे कि यार गदर तुम तो आ जाए करो, स्कूल में लेकर आ रहे थे। हम आएंगे सर, हम आएंगे, हमारा एक बिजनेस सेट हो जाए। माफी मांग, माफी मांग। उस तरह कोई बात नहीं बेटा, माफी मांग। गले मिलना, गले मिलना सर। पप्पी ले ले, पप्पी ले ले, पप्पी ले ले। अरे क्या किस ले लो, किस ले रहे हो? तुम्हें लखन भी नहीं है, मास्टर के किस लेते हो? अरे आ जाना कल से स्कूल के अंदर, तुम लोग भी आ जाना। सर कल आप लोग भी रहना स्कूल में, मिलते हैं ना। कल आप स्कूल आ रहे हैं ना स्कूल में। सर ठीक है, बाय टाटा। बोलिया ओ चरा उठे ले, अब बिस्कुट खा ले और दिखा लो कहीं रोटी को ने। अरे पूतरा घटे, रोटी तन काम कर ली, बर्तन खराब हो जाए तू तो खा ले ले। ए अब ची ची मत कर ले, नमकीन और खा ले। अरे माल जा दिया जाना तो चीजा था ना, रोबो करा पर चीजा ने खा लेने। अब बैठ को दाद रो, बोलो मत ज्यादा, खा ले चुपचाप खा ले। वो ओए क्या बात है, तो अकेले अकेले चीज खा, मेरे को भी खिला ला, दो दो मेरे को भी खिला दे यार। आज ये बात हो गई, 25 रुपए की पार्टी करके 5 रुपए का बिस्कुट नहीं खिला रहा मेरे को तू। मेरे को कुछ नहीं पता, ले दो बिस्कुट दे दे। क्या मैं तेरी बात ही नहीं समझ रहा, मेरे को कुछ नहीं पता। 25 रुपए और बच रहे, शाम को चलेंगे। अच्छा तू समझने की कोशिश तो कर यार, दो बिस्कुट ही तो ले रहा हूँ मैं, शाम को और करा रहा हूँ ना पार्टी। तू दोस्ती में गद्दारी करता है बोला, तू तू व्यवहार लायक नहीं है ओए, तू मेरे को चीज नहीं खिला। एक कड़े गई महारानी बाहर निकले ने। ओए ये क्या मामला हो गया ओए, तू बोले बोले रे, मैं बात कर रही चूक। ए बाहर निकली जाएगा ने कहीं होगो, ये माला पावना की हाथ लगाई तू इन पहली तो बता, इन कंड ले रही चिंडे करवा के। मैं तो 7 बारी ले रहा हूँ ली, आज को ना रोज ना ले रहा हूँ ली, हाथ क्या लगाई उनका हाथ लगा दी मैं ठीक है, मैं तो कहीं लगाई ने फिर की पिपाड़ी क्या बाज लीजिए। बंद रहे, मैं बात करी तू कहीं बात कर ली कांड ताती और इज्जत ने कहीं कोई बात को ध्यान न रो न रहा, हमारी माड़ माड़ा छड़ती है जब मैं कहीं करे चीको ताती ने, वो तो कहीं करूती हाथ क्या लगा क्या समझ में ले जा बोलो डालो चलो ध्यान नहीं करती। अरे कहा तो तू ही बोली जर का वही जा, मैं कहीं हाथ लगा दिया ही गए। बोले बोले कौन जो जाओगे तेरे सो, मैं जान चुता ने ते खियाना छो 6 महीना कहीं थाने भरोसे हो गया देखता मैंने कहीं लेर पड़ रहा तुझे कहीं लेर पड़ जाए कहीं कर दिया लेर पड़वा थाने में कदे राजी बुला इन कर रहा और कदे कूट रखंदा हो आ तो पीपाड़ी गाल दिया अगला कमाई ने। ये पीपाड़ी में कहीं गाल दिया राम की पूरी राम गाल जे पुपाड़ी तो हां पर राम गाल बावलो इने मन मस्सी का बावला बनावे की जरूरत कोने। कहीं बावला बना रही जी का पूतरा काटे का कोई बीमारी होगी? बीमारी कहीं अब पीपाड़ी नाम की कोई बीमारी जब कोरोना वायरस को ना कहीं बिया होनी कोई बीमारी जाए जो एक दूसरा आदमी का माए ना हो जाए और गाँव में कांटी कड़े मुंडो मार रही जाए। नहीं ओ हान तो रही है मानुष में की तो पर मन ध्यान से मन बावला बना रहे काय की बीमारी आवली। ये बीमारी है कि गांव में सुकांट कड़े लगा ले इधर मारा भी छोरा फूलिया का लगा दियो बुद्धे पुने वो खाट मारा पड़े बीमार हो यार। सांस सही होगी? सांस सही होगी और कहीं कह रही तू पर अरे जी तू अड़ चिपक कर मत रही जी मारा ही मत अरे दूर रहे दूर रहे तू दूर रहे। अरे राम जी आ काय बीमारी आई छे जो आई चेर भाई तो तू तो माड़ा माड़ा चढ़ जा मैं बिगाड़ू ली को कहीं बिगाड़ू ली गणा सोतकारा को मत था मुंडा ही कन लागू तो मुंडा ही काई बात चेरा मरियम मैं को थे गांठी कूट देन पीपाड़ी बजा दी। हां मैं ही बजावा लेगी पीपाड़ी की तो बजा दी राम बाज की सुने ये बीमारी को कोई इलाज भी को जी का सारा मच्ची पक जा जी नहीं थावड़े भी हो जाए लो सा सही को नहीं इलाज कोई। हां दूर रह तू तो दूर रह मार सु दूर रह। अबे एक काम करी लाइना नड़ सु लेट चल जा माड़ो लगाओ लींडे कड़े नहीं
दूर कहीं तो मैं खाड़ा कमान पटक रहा हूँ जी। मारा चाय से कोटी का पींदाम पटक ले जाएंगे। चल चल करा चल करा चल अड़े मत मेरे चल 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 जाओ भाई माँ वाला बोल गाँव मान तुम छोरन दुआई दे बाली तेरा पूरा अब दवाई ले ले तारी खाली हो तो दवाई ले ले दवाई कौन लेनी क्या पूतरा खाटिया अरे निका कहीं बोला दवाई ना ले लो तो अरे इन लाभा को डालन कांटे बैठे अरे माल जा दिया जाना तो भागो जब कहीं ले भाई चीड़े हाँ माँ जा दिया तेरी तो बाजी गई भी बड़ी अरे बारे तो सब कहीं कहीं हो रही चल माल जा दिया घर चल जा बिस्कुट का को तेरा खा पाको तो डाकी चाह मर रही थे रोया जा पिंडे बैठ चालू है। हाँ तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है सपाचट न्यूज के अंदर। मैं मनीष ओला कैमरामैन सुदीप के साथ आप पहुंचा हूँ जैतपुरा गांव के अंदर। जैतपुरा गांव के अंदर आज हम इसलिए पधारे हैं क्योंकि इस गांव के बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है और वो ब्रेकिंग न्यूज ये है कि इस गांव के अंदर पीपाड़ी नामक एक वायरस आ चुका है। जी हाँ पीपाड़ी नामक एक वायरस आ चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये वायरस क्या है, तो ये वायरस कोरोना वायरस की तरह बहुत ही डेंजर वायरस है जो लोगों में धीरे धीरे बहुत ही तेजी से फैलता जा रहा है। पिछले दो दिन में इस गाँव में इस वायरस के केस 500 से भी अधिक पाए गए हैं, तो इसलिए वायरस बहुत तेजी से फैल रहे हैं और इस वायरस के बारे में किसी भी लोगों को पता भी नहीं है और सरकार भी इस बात को दबा रही है, प्रशासन भी इस बात के बारे में लोगों को जागरूक नहीं कर रहा है। इसलिए मजबूरन आज हमें दिल्ली से सीधा जैतपुरा गाँव में आना पड़ा है, जो कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई भी लोग यहाँ पर मास्क नहीं लगा रहा है, डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर रहा है, क्योंकि ये वायरस भी कोरोना वायरस की तरह बिल्कुल हुबहू छूने से सांस लेने से उन चीज़ों से फैलता है। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लोग कैसे हाथ में हाथ गले में गले में डालकर चल रहे हैं, यहाँ पर डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो इससे आप सोच सकते हैं कि ये वायरस कितनी तेजी से और फैल जाएगा, क्योंकि दो दिन में ही यहाँ पर 500 केस पाए गए हैं, तो आने वाले दिनों में ये वायरस कितना बड़ा विस्फोटक हो सकता है इसका अंदाजा आप लगा भी नहीं सकते हैं और धीरे धीरे ये पूरे भारत में फैल जाएगा, पूरी दुनिया में फैल जाएगा। इसलिए हम सरकार से प्रशासन से ये अनुरोध करते हैं कि लोगों को इसके बारे में जागरूक करें, क्योंकि यहाँ पर कोई भी डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर रहा है, बिल्कुल यहाँ पर जैसे नॉर्मल लोग रहते हैं वैसे ही चल रहा है, तो ऐसी अगर चलता रहा तो हमें फिर से एक बार लॉकडाउन का सामना करना पड़ सकता है, तो इसलिए हमें पहले ही सतर्क रहना होगा। इसलिए हम आपके बीच में पधारे हैं और हम इसके बारे में आपको जागरूक कर रहे हैं कि आपको डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है। जो भी जैतपुरा गाँव के हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनसे मैं अनुरोध करूँगा कि जैतपुरा गाँव के अंदर पीपाड़ी वायरस आ चुका है आपको कोरोना वायरस की तरह, ये वायरस से तो आपको लोगों से दूर रहना है और जितना हो सके घर पर रहना है, बाहर नहीं निकलना है। यहाँ पर देख सकते हैं कि लोग कितने खुले में बैठे हैं। कैमरामैन से मैं अनुरोध करूँगा कि थोड़ा आप इधर आ जाइए और मेरे पीछे दिखाइए कि यहाँ पर लोगों की किस तरीके से मंडली बैठी हुई है जो यहाँ पर वायरस से ग्रसित हो सकते हैं, इनको अंदाजा भी नहीं है। तो इस चीज़ के लिए हम जागरूक करने के लिए आज यहाँ पर पधारे हैं। तो अब हम आपसे उन लोगों को मिलाएंगे जो इस गाँव में जैतपुरा में जो पीपाड़ी वायरस था उसका पहला केस पाया गया था, उससे हमारी बात हुई है, तो अब आज हम उनसे आपको रूबरू कराएंगे। तो चलते हैं हम सीधा उनके पास, आपको उनसे बात कराते हैं, चलिए। अरे बोलो। राम राम चुलेडोन। राम राम। बस मैं था पीछे देव आई रहे जो बस अब आर था ग्राहिया रहे जो मैं। अरे यार बे पीछे ना अभी आ चे। अरे हाँ चुलेड था पीछे बोल सकूँ जो के मैं। आ बोल तो कौन सा के यार। पर मैं बोल को जब आएगी छोड़ ना ले। अच्छा पर टूटे यार बिहार बाहर कुछ होने। हाँ मैं बिहार चल गो जो हमारी मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी ना इस वजह से। अच्छा अच्छा पर दो साल तो बैठ खराब रही की मम्मी की। अरे मम्मी की तो दो साल तबीयत खराब कौन हुई थी, पर मैं ब्याह फ्याह भी कर लिया और टावर टोले में टाइम लाग गो फिर। टावर टोले में टाइम लाग गो ना। हाँ चुले टोन बस अब कोई दिक्कत वाली बात को ना पीछा है ना काल ही ले रहा है जो मैं। अरे नहीं 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 पीछा विषय को जरूरत कौन जे आप बाई जाए यार बाई चल हम पीछा बीच में बोल लो यार। हाँ? और चाहो तो दियो पिसा 5-7 लाख तन तारी कर चली पे हमने कन फालतू की बात कर रहे यार तेरी से कहां चुप रह। हां देख भाई आप भाई जा भाई चला माने कोई रिपेयर की जरूरत कौन समझ गो। अरे चूल्हा डोन। अरे बस 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 यार अरे आत्र बिहार से अजी फाल को लंपी पग भी लिया है लो। चुप रह। तो चुप रह तो भाई पहली एक का लागरी से पर रे तू सब पढ़ रे। देख बाबूलू तू भाई जे और भाई की जगह पगाम कौन जे दिल में जाए दिल में। अब देखो चूल्हे डोन थे मैंने भाई खे दिन था ना सांचे बात बताऊँ मैं मगर पीछे कौन जाने तुम्हें बिहार भाग्य जो मैं
और नहीं मारगन अब पीसा मताना काल गोली दे रहे काली बिहार बागवा में छो। अब टेंशन वाली कोई बात बन थे मैंने भाई समझ रहा है जोक अब मैं कड़े गुंजा पड़ो अब पीसा था तो देना चाहिए मैं कांडवा गुलाब। अरे पीसा की बात मत करे यार तू भाई जमा रहे यार तू दिल मज है बाड़ी बात कर रहे यार बस काट दे दिया अपना ऑफिस को ही ना भाई कोई जरूरत पड़े तो आ जाइए। अट्टो भी एडवांस मत वो मजे को ना दिन एक गिफ्ट दे बजाऊं यार भाई चराओ थे बड़ा आदमी थे दे सको थे पर अरे अरे देरी जो उठो यार हां दे दो थे दे दो मंगो भाई के पहली कलमिन और फिर दो पप्पी ले एक भाई बबलू राम राम अब डन चल लो इन शड़ा की पीपड़ी बजाटी। अरे मैं खेड़ियों ने जो चूरे ने रट्टा है शमशाने भटकता है यार शड़ा का डोने की होगी रे ओए ओए पर रही हो ने हाँ वेरी गुड मशरूम था अरे 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 टंगू ओए अरे मैं चला डॉग ले रहा हूँ डॉग ले रहा हूँ मैं चला तुम बैठ जा बहुत ना कर लगी थी यार भी पड़ी वायरस बट डॉग ले रहा हूँ अरे ओए अगर आपको चैन से सोना है तो जाग जाइए और जहां भी पीपाड़ी की आवाज सुनाई दे वहां से भाग जाइए। लेकिन आज हम हमारी जान को जोखिम में डालकर पीपाड़ी वायरस के पहले मरीज से आपको रूबरू कराने के लिए आए हैं। तो यहां पर ये देख सकते हैं सो रहे हैं। अरे भाई उठिए क्या नाभि दिखा रहे हैं जनता देख रही है खड़े हो खड़े हो खड़े बेटा हाँ तो आज आपको इनसे रूबरू कराएंगे कि इनके अंदर वायरस कैसा है और इनको वायरस आने के बाद इनको कैसा महसूस हो रहा है कैसा क्या ये फील कर रहे हैं क्या वायरस आने के बाद में थोड़ा डरे हुए हो देख बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं लेकिन इनके चेहरे पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि पीपाड़ी का किस तरीके से खौफ छाया हुआ है। लेकिन हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आपके अंदर माना जा रहा है कि जेतपुरा का पहला पीपाड़ी वायरस का केस आया था तो आपके अंदर ये कहां से आया हमें थोड़ा कुछ बताने की कोशिश करेंगे आप ये कुछ हमारा बाप का बता रहे हैं लेकिन उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। हम पहले ये जानना चाहेंगे कि आपके अंदर ये पीपाड़ी वायरस का जो केस पाया गया ये आपके अंदर पहला था या फिर आप इससे पहले आपके और भी आसपास आ चुके थे पहले आप थे तो थोड़ा कैमरामैन इधर आ जाइए इनको थोड़ा अच्छे से दिखाइए। अब इनसे हम ये जानने की अरे 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 बैठ जाइए अरे बैठ जाइए ये कौन है दोस्त है तो देखिए इनकी आप दोस्ती भी देख सकते हैं कि कितनी गहरी है दोनों के अंदर सात पीपाड़ी वायरस आया है तो इनकी दोस्ती का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी गहरी है। तो आप ये बताइए कि आपके अंदर जो पीपाड़ी वायरस आया है उसके बाद में आपको कैसा क्या महसूस हो रहा है ये कुछ बताने थोड़ा क्लियर तरीके से समझाने की कोशिश कीजिए ना तो मैं समझ पा रहा हूँ ना हमारे दर्शक समझ पा रहे हैं। थोड़ा आप अच्छे से समझा पाएंगे तो हमारे दर्शक थोड़ा सा सतर्क हो जाएंगे और इससे बच पाएंगे आसानी से। हम आपको बचने के तरीके बताएंगे इनसे ही जानना होगा कि ये किस तरीके से बच रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इन्होंने एक तो अपने आप को क्वारंटाइन कर रखा है जो कि एक बहुत अच्छी बात है कि ये वायरस छूने से फैलता है तो हम भी थोड़ा सा दूर हो जाते हैं। अब मैं भूल गया था थोड़ा अरे हाथ मत लगाओ भाई देखो ये छूने से फैलता है ये आपकी अच्छी बात है कि आपने क्वारंटाइन कर रखा है आप डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो तो ये अच्छी बात है। लेकिन आप ये बताइए कि आप कैसे क्या फील कर रहे हो आपके अंदर क्या क्या लक्षण पाए गए इसके अब हम इनसे थोड़ा कुछ समझ नहीं पा रहे हैं आपके अंदर घर के अंदर कुछ है जो आप जिनसे हम बात कर सकें अरे हाँ हमें माता राम दिखी है तो हम इनकी माता राम से जानने की कोशिश करेंगे कि इनके अंदर ये वायरस कैसे आया। तो माता राम सबसे पहले तो आपको नमस्कार आप ये बताइए कि इनके अंदर ये वायरस कहाँ से आया। अजी अब मैं तो कहीं बताऊँ ये मेरे बच्चा है ना सुहारे पहले दूध देने गया था तो कोई चौराहे के अंदर मिठाई विठाई खा लिया तो बिंडे से आ गया। अच्छा माता राम तो माता राम का कहना है कि इनके बेटे के अंदर ये वायरस है जो कि चौराहे से आया है। अब हम इनसे जानने की कोशिश ये करेंगे कि माता राम आप ये बताइए कि आपको ये कैसे पता चला कि आपके बेटे के अंदर ये वायरस आ चुका है। हाँ माता राम बताने की कोशिश कीजिए बताइए माता राम आपको टीवी पर करोड़ों लोग देख रहे हैं आपको सीधे टीवी पर दिखाया जा रहा है बताइए। मैं टेलीविजन में देख रही हूँ मैं। हाँ आप टीवी पर दिख रहे हो अरे तो माल जा दिया तन दरी लखन कौन कहीं क्यों माता राम क्या हो गया
अरे हो पानी कहीं से माल जा दिया तुम दिख रहे हो उनके मेरा कपड़ा तो सारा रुड़ रहे मैंने पहली कौन कैसे कोई मैं डंका कपड़ा पहन ली थी। अरे माता राम आप वैसे भी अच्छे लग रहे हो इनमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखा था अली लुगाई ने दिखा देवगर गंदा कपड़ा कमाए टेलीविजन माँ दादी वाले तन दरी शर्म को ना हो गई दूसरा की लुगाई टेलीविजन कमाए दिखा था। अब पुलिया का क्या करते देख रहे थे तो मन गाड़िया मत काट जो। अरे भाया मैं चार कर को नहीं जी कमाए ने वो तो माल दादी वालों चाहे को मन ले लियो कमाए मारी कहीं गलती जी कमाए। अरे माता राम आप थोड़ा मुद्दे से भटक रहे हो आप वायरस के बारे में बताइए कि आपके अंदर ये वायरस बेटे के अंदर कैसे आया। तो तारी मारा नजार पूछ ला पूतरा कहते तो मच्छर मार दियो। हाँ तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि लोग इस वायरस को काफी ज्यादा हल्के में ले रहे हैं लेकिन ये हल्के में लेने वाला वायरस बिल्कुल भी नहीं है। आपको सतर्क रहना है इसलिए मैं अपनी जान पर जोखिम पर डालकर ऐसे मरीजों से आपको रूबरू करा रहा हूँ कि आप सतर्क रहे सावधान रहे क्योंकि ये वायरस बहुत ही तेजी से फैल रहा है। कुछ ही दिनों के अंदर ये भारत के अंदर पूरी तरीके से फैल जाएगा और भारत में नहीं पूरी दुनिया इस वायरस की चपेट में आने वाली है। WHO ने भी अपनी ये रिपोर्ट जाहिर की थी मेरे को सूत्रों के हवाले से खास मेरे को ही पता चला था इस वजह से मैं इस रिपोर्ट को कवरेज कर रहा हूँ। तो आप सबको सतर्क रहना है क्योंकि ये वायरस बहुत बड़ा वायरस है। कोरोना वायरस की तो वैक्सीन थी लेकिन इस वायरस की अभी तक कोई वैक्सीन भी तैयार नहीं हुई है तो ये बहुत ही बहुत खतरे की घंटी है हमारे लिए। तो इसके लिए हमें सतर्क रहना है क्योंकि ये वायरस बहुत ही तेजी से सभी लोगों को अपनी चपेट में लेता जा रहा है। धीरे धीरे बहुत ही भयंकर विकाल रूप ले चुका है ये अपना। राम राम साहब। तो दोस्तों मन उम्मीद से तक वो वीडियो पसंद आए तो कहीं करो थी वीडियो लाइक करो ते कहीं थी वीडियो लाइक करो भूल जाओ जो और ते कमेंट कर बताओ तो वीडियो कैडो लागो और अगर ते हमारा चैनल बना रहे हो तो चैनल ने सब्सक्राइब तो जरूर कर जो। तो मेरा से जल्दी अगला वीडियो। राम राम साहब।